खाना वाना खाएंगे। तो अभी बज गए 7 गाइस, तो 7 बजे हम लोग मतलब ये गुजरात में आता है, हम महाराष्ट्र में, तो इस खाड़ी के पार महाराष्ट्र है और ये इस गाड़ी के इस पार गुजरात है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजे का देखो क्या है नज़ारा। तो सुबह जो रहता है वही है सब आज। सो गाइस 4-5 दिन से वीडियो नहीं आया है, तो ये पहला वीडियो मतलब 4-5 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आज। तो यहाँ देखो सकीना स्कूल जाने के लिए रेडी है और मेरा रोज का वही है पानी गर्म करना, और यहाँ पीटर सोया हुआ है सुबह सुबह। चलो सिमोन क्या करता है देखते हैं। तो ये देखो सिमोन अभी रेडी हो चुका है, तो इसको सब्जी चाहिए, तो यहाँ सब्जी बनाया है ये देखो। ओके ये क्या है, दिख नहीं रहा। ओके ये क्या है, गुआर है। चलो ठीक है, सिमोन को अभी खाना है तो उसको मैं उतार के दे देता हूँ। और ये देखो हमारी मुर्गियाँ अभी तो बड़ी हो चुकी है, मैंने दाना डाला है उसको गेहूँ, तो अभी खा रही है। ये देखो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है और ये 10 पूरा। सो गाइस 4-5 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है अपने चैनल पे, क्योंकि मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए थे, इसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया। तो एक दिन नहीं अपलोड किया, 2 दिन नहीं अपलोड किया, बाद में तो गाइस वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो इसके वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था। तो अभी तो शायद रेगुलर रहूँगा, क्योंकि बीच बीच में ऐसा हो जाता है ना, नया नया में बहुत कंटिन्यू रहना पड़ता है तो ही अच्छा लगता है, तो मतलब हमको बनाने में इंटरेस्ट आ जाता। अगर आप नया नया में हो और बना नहीं रहे हो, यानी कि गैप दे रहे हो 1 या 2 दिन का, तो फिर आपको शायद उतनी क्वालिटी और क्वांटिटी तो जाने दो, क्वालिटी आप उतना मेंटेन नहीं कर पाओगे। सो अगर आप चाहते हो व्लॉगर बनना या व्लॉगिंग करना, तो डेली बनाइए, एक वीडियो कौन सा भी कैसा भी बनाए लेकिन डेली बनाइए, क्योंकि डेली का जो रूटीन होता है वो हमें सीखने को मिलता है और हमें मोटिवेट भी करता है। तो प्लीज़ अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ रोज़ बनाइए, डेली बनाइए, एक वीडियो रोज़ डालिए। तो मैं भी अभी ऐसे ही करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत गाइस समय नहीं रहता है। मैं जॉब के साथ साथ मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, तो शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आए और आगे जाके मेरी जो व्लॉगिंग का कॉन्टेंट है वो अच्छा होने वाला है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो ये देखो गैस रेडी होके आई कार्ड लगा के, और ये देखो नहा धो के अपना रोटी खा रहा है। आज कितने बजे जाएगा स्कूल? हाँ इसको पता, इसको क्या पता, सही से रेडी होके जाना वरना फैशन मत करना। गैस स्कूल में ना बहुत अभी स्ट्रिक्ट, मतलब इन लोगों का जो डिसिप्लिन है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। उधर से मैसेज आ रहे हैं कि यार बच्चों को अपना जो डिसिप्लिन है वो सही से सिखाओ, उनको बाल हेयर स्टाइल जो उसका है ना वो ज़्यादा फंकी ना हो, बस सिंपल सा हो, उसके नाखून बाखून सब मतलब अच्छे से होना चाहिए, उसके कपड़े बपड़े साफ होने चाहिए, रोज़ नहा के भेजो। तो उधर से एक मतलब मैसेज आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे अपने बच्चों पर डिसिप्लिन लगाओ। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं वैसा करो। तो आई होप कि ये लोग समझ जाए और स्कूल में अच्छे से रहे। तो गाइस अभी हमारा भी समय हो चुका है, टाइम हो चुका है, मैं भी नहाऊंगा, पानी अभी भी गर्म हो रहा है। अपना तो वही रोज का है यार, मैं क्या क्या दिखा समझ में नहीं आता है मुझे, इसलिए मुझे भी व्लॉग बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको टाइम रहता तो मैं आपको सही से दिखा पाता, सही से मतलब हर एक जगह एक्सप्लोर कर पाता, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अपना फैमिली का ही दिखा रहा हूँ। लेकिन आगे जाके मैं सही में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ, बहुत अच्छी मतलब मेरे गांव में जो भी है मैं आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लोर कर दूंगा अपने चैनल पे। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे जाके आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो अभी तो ये देखो रेडी हो चुके हैं दोनों भी, तो अभी इसको रेडी करना है, और मेरी वाइफ गई है अपना कपड़ा धोने, रिपीटर भी अपना सो रहा है, सुबह सुबह ये तो
सो ही जाता है सुबह सुबह, और ये अभी रेडी हो चुके हैं। तो इसको अभी रेडी करना है, उसको स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। शायद आज मेरा छुट्टी हो जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। अगर हो सके तो मैं आपको पूरा व्लॉग आज का दिखाऊंगा घर पे, तो बने रहे कंटिन्यू। ले ले ले, क्या कर रहा है मेरा बेटा? मैं देखो पीटर कैसे रो रहा है अभी, इसको अभी साबुन लगाया जा रहा है। तो ये देखो दोनों बैठे बैठे मोबाइल देख रही है। गैस अभी 9:30 बज चुके हैं, और 9:30 बजे देखो मैं चाय पी रहा हूँ। ये तो अभी देखो यहाँ पूरा कपड़ा टांग दिया है धोने का, तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ 9:30 बजे। देखो काली चाय अपने, चलो चाय पीते के बाद मिलता हूँ। चल जा रहे हैं, क्या करें? अरे चलते जाएंगे। तो गैस अभी इसको चलते मतलब चलते मैं छोड़ने आऊंगा ऐसे नहीं, लेकिन इनको गाड़ी चाहिए, गाड़ी पे बैठ के जाएंगे। मतलब गाड़ी पे ही जाएगा, नहीं गाड़ी पे नहीं तो स्कूल नहीं जाएगा। अभी इसको मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, चलो गाड़ी पे छोड़ देता हूँ। ये पीटर देखो आए गए आए गए। चलो अभी इसको छोड़ने जाएंगे गाड़ी पे। हेलो, तो गाइस ये देखो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, स्कूल जाने को बोला तो स्कूल नहीं गया, ये दोनों भी नहीं गया। इतने नाटक कर रहे थे ना दोनों भी कि पूछो मत। बोला मैं चलो गाड़ी पे छोड़ के आता हूँ तो भी नहीं, बैठे बैठे ऐसे मेरा दिमाग खा गया आज पूरा दिन। दोनों भी क्या बोलेगा इन लोगों को, आज स्कूल नहीं गया, कल भी नहीं गया, परसों भी नहीं। तीन दिन तो ऐसे ही छुट्टी था, शुक्रवार शनिवार और रविवार, और आज सोमवार है। क्या बोलेगा समझ में नहीं आता है मेरे को। अभी ऐसे बैठा 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 इधर ही बैठा रहेगा, कुछ काम तो है नहीं। चलो देखते हैं फिर भी इन लोगों को। तो गाइस जैसे ही मैंने इसको बोला कि जाओ कपड़े पहन के आओ, तो फटाफट से कपड़े चेंज करने के लिए गए हैं। अभी देखते हैं इसको कपड़े चेंज करने के बाद अपने जीजा के वहाँ सब गए हैं, तो उधर ही छोड़ के जाता हूँ मैं भी, क्योंकि अभी मेरा भी ठिकाना नहीं इन लोगों को कहाँ संभालूंगा मैं। स्कूल तो गए नहीं ये लोग, तो सब लोग मेरी बहन मेरी बीवी सब लोग मेरे जीजा के वहाँ गए हैं, मेरी बहन की बड़ी बहन है वहाँ गए हैं। तो अभी इन लोगों को भी छोड़ के आता हूँ। ये देखो वे लोग कपड़ा चेंज करेगा, ये स्कूल का ही ड्रेस है, तो ये चेंज करवा के मैं फिर उसको लेके जाऊंगा। तो अभी इसको रेडी करवाता हूँ, उसके बाद मैं लेके जाऊंगा। तो गाइस ये देखो अभी तैयार हो चुके हैं दोनों भी। अभी मतलब स्कूल जाने के लिए तो रेडी नहीं होते, बट हाँ किधर जाना हो ना तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने जल्दी जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं कि सुपरमैन से भी फास्ट है। ये देखो अभी चलो दरवाज़ा वरवाज़ा सब बंद कर लेते हैं, क्योंकि सब जा रहे कोई नहीं है। तो अभी देखो ये पूरा दरवाज़ा खुला है, अभी दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो ये रहा गाइस अपना गाड़ी, और ये जो हमारा गेट है वो मैंने बांध दिया है, क्योंकि अभी कोई नहीं इधर। तो ये हमारा गाड़ी है ये दोनों, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और हमारे गांव का नज़ारा गाइस ये देखो। तो यहाँ क्रिकेट खेला जाएगा, वो देखो ये जो दिख रहा है ना ये पिच है, तो यहाँ क्रिकेट खेला जाएगा अभी सकरात पे शायद। सो गाइस देखो हम लोग कहाँ आ चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो वाओ, ये हमारे गांव की खाड़ी है, और ये हमारे गांव का ब्रिज है। मतलब ये गुजरात में आता है, हम महाराष्ट्र में, तो इस खाड़ी के पार महाराष्ट्र है, और ये इस खाड़ी के इस पार गुजरात है। तो गाइस ये देखो कितना मस्त नज़ारा, यहाँ शमशान घाट है, और ये एक बंगला सा बनाया हुआ है, और यहाँ एक टेम्पल है, और ये नदी हमारे वहाँ से आती है, तो उस तरफ महाराष्ट्र है और इस तरफ गुजरात है, और ये रेल का लाइन है यहाँ रेल, वो देखो गाड़ी आ रही है, ये ब्रिज बना रहा है दो दो। तो गाइस हम लोग अभी घर पे आ चुके हैं, और सब लोग मेरी वाइफ और सब बच्चे बच्चे सब लोग घर पे आ गए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने कपड़ा वपड़ा चेंज कर दिया हूँ, अभी देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। तो गाइस ये देखो अभी पीटर को मैंने नहला दिया है, और अभी इसको मैं घुमाने लेके जा रहा हूँ, बहुत ही खुश हो रहा है देखो। और देखो ये बहुत ही खुश रहा है, जाएंगे ना हम लोग। तो ये देखो गाइस यहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है अभी, तो मैंने जहाँ बताया था ना पिच बनाया उधर ही खेल रहे हैं लड़के लोग। तो अभी ये पूरा मैदान है, यहाँ से ऐसे 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 इधर से पूरा, और वो सामने दिख रहा है ना गाइस वो ग्राम पंचायत है, और ये हमारे गांव का पहाड़, और ये वाइट वाइट दिख रहा है ना वो एक टंकी बन रही पानी का,
और यहाँ भी इस साइड भी बहुत सारा पहाड़ है, और ये हमारे गांव का सब नज़ारा है, इस तरफ भी है। और ये गाइस ये एक माड़, इसको बोलते हैं माड़, ये शायद मेरे से भी पुराना है लेकिन अभी तक गिर नहीं रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये मेरे घर का बाड़ा है, इसको मैंने वाड़ किया है इधर से ऐसे। तो गाइस ये देखो अभी मेरा बाइक भी इधर ही बाहर ही है, तो अब इसको भी अंदर ला के रखना है। और ये देखो सिमोन और सकीना भी यहाँ निकले हैं, सिमोन पतंग लेके निकला है। हाँ बोलना कोना बाहर रहा तुम लोग तुम का। ये देखो ये बोल रहे हैं कि मैं हम लोग मम्मी के घर जाएंगे, तो अभी ये मम्मी के घर जाना चाहता है। ये पतंग लेके हाथ में, उड़ा तो पाता नहीं है और पतंग घुमाता है। और ये क्या खा रही है, इसको भी चाहिए, देना उसको भी। चलो अभी गाइस देखते हैं कि ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सो गाइस अभी मैंने देखो चटनी बनाई है, ये देखो चटनी बनाई है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी मैंने चटनी बनाई मस्त ग्रीन चटनी, धनिया की चटनी है, तो अभी बना के हम खाएंगे। तो देखो ये इसको क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे करने का। सो गाइस आज मैं अभी अभी मैंने चटनी बनाई है, चटनी धनिया की चटनी, तो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो अभी बज गए 7 गाइस, तो 7 बजे हम लोग तो गाइस 7 बज गए और 7 बजे हम लोग आज अपना व्लॉग खत्म करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना भाई लोग। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।